नमः सिद्धेभ्यः। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांग मयी जिनवाणी माता की जय। भव्यात्माओं, आज दो तीन दिन के गैप के बाद पुनः गोमठ सार जीव कांड का स्वाध्याय शुरू होता है। बीच बीच में ये आपके रिलीजियस ब्रेक आते हैं और उनमें भक्ति के कार्यक्रमों का आप रसास्वादन लेते हैं। संस्कृत व्याकरण की परीक्षा के पश्चात आपकी रुचि देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा है, तो गोमठ सार जीवकांड सार के स्वाध्याय से पूर्व आपके लिए शुभ सूचना है कि 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन से हम आपके व्याकरण का दूसरा सेशन चालू करेंगे। यानी एक में अब आपने स्वर संधि तक संज्ञा प्रकरण और स्वर संधि तक पढ़ा है 60 सूत्रों में, अब 61 नंबर के सूत्र से लेकर 124 नंबर तक के सूत्रों को प्रकृति भाव संधि और व्यंजन संधि कहते हैं, तो कातंत्र रूप माला के इस चैप्टर की पढ़ाई बसंत पंचमी से 14 फरवरी से हम शुरू करेंगे। तब तक आप सब लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क। बस आप व्हाट्सएप नंबर पर या फिर जूम के चैट बॉक्स में अपने अपने फुल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस लिख करके भेजें और आपको कल से ही पुस्तकें मिलना यानी भेजना प्रारंभ कर दिया जाएगा। अच्छा, जूम पे नहीं, केवल व्हाट्सएप नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर जूम के चैट बॉक्स में दिया जा रहा है और पारस चैनल पर भी वो नंबर चला दें, जो नंबर बताया जाए उसको चला दें, हमें भी लिख करके दे दें ताकि हम बता दें। उस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए, अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। जिसको पढ़ना है, परीक्षा देना है, वही लोग केवल उस पुस्तक को मंगाएं, तो हम पुस्तक आपके एड्रेस पर भिजवाएंगे। जम्बूदीप हसनापुर से आपके पास वो पुस्तक जाएगी और उसके साथ में आपके पास एक छोटी सी पुस्तक और पहुँचेगी, जिन सहस्र नाम स्त्रोत्र, जिसे हमने पढ़ाने के लिए कहा था। सप्ताह में एक दिन या दो दिन हम आपको सहस्रनाम स्तोत्र भी पढ़ाएंगे और तीन चार दिन हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। तो आप लोग इन दोनों पुस्तकों के लिए, दोनों पुस्तकें निःशुल्क आपको भेजी जाएंगी। आप संपर्क करें, नंबर नोट कर लें, 8171। पंकज शुक्ला का नंबर दो, हाँ, हसनापुर का नंबर जो डायरेक्ट आपके पास, आपका एड्रेस लेने के लिए दूसरा नंबर हम दे रहे हैं, ये वाला नंबर जो हमने बोला है 8171351392। लेकिन आपको डायरेक्ट हस्तिनापुर से ही संपर्क करना है तो आपको दूसरा नंबर दिया जा रहा है और उस नंबर पर आप अपना पूरा एड्रेस और उसमें लिख दीजिए कि संस्कृत व्याकरण और सहस्रनाम स्तोत्र की पुस्तक के लिए, तो दोनों पुस्तकें आपके पते पर पहुंच जाएं, आप अच्छे से उनको प्राप्त कर लें। उसके बाद हम व्याकरण का दूसरा चैप्टर आपके लिए पढ़ाना शुरू करेंगे। आज हम आपको गोमठ सार जीवकांड का ही स्वाध्याय अध्यापन कराने जा रहे हैं, क्योंकि आपने इसमें काफ़ी दूर तक अध्ययन कर लिया है। 26 गाथाओं की परीक्षा हमने आपकी ली थी, अब आगे हम आपकी परीक्षा लेंगे। कौन से पेज तक हम आपकी परीक्षा लेंगे? 87 नंबर की, 87 गाथाओं में हम आपकी परीक्षा लेंगे 28 फरवरी को। 28 फरवरी तक आपको 87 नंबर की गाथा तक पढ़ लेना है, वेद मार्गणा तक।
तो इसकी परीक्षा आपकी होनी है, 87 गाथाएं। नंबर आप नोट कर लीजिए, संस्कृत व्याकरण जिन सहस्रनाम स्तोत्र की पुस्तक के लिए 999 यानी 999-76-12-319 ये जम्बूदीप हसनापुर का फोन नंबर है और इस नंबर पर आपको संपर्क करना होगा और आपके यहाँ पुस्तक पहुँचेगी। लेकिन ध्यान रखना, अपना फुल पोस्टल एड्रेस पिन कोड सहित लिख करके भेजिएगा, तभी आपके यहाँ पुस्तक पहुँच पाएंगी। तो 999-76-12-319 प्राइस मत पूछिए, आपको निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त होंगी। शर्त केवल इतनी है कि जिनको पढ़ना हो, परीक्षा देना हो, वही लोग पुस्तकें मंगाएं। और आपको निःशुल्क ही रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी अपना एड्रेस देना मतलब रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। हम ये समझेंगे कि जिन लोगों ने बुक्स मंगाई हैं वो सब के सब पढ़ेंगे मन लगा करके और परीक्षा भी देंगे। परीक्षा की तारीख हम आपको मार्च के फर्स्ट वीक में सूचित करेंगे कि कब ली जाएगी। अभी तो 28 फरवरी को आपको गोमटसार जीव कांड की परीक्षा देनी है, जिसमें 27 नंबर की गाथा से लेकर और 87 तक आपसे ही परीक्षा ली जाएगी। अब चलिए, गोमटसार का अध्यापन शुरू हो रहा है। सिद्धम शुद्धम पणिमीय चिणिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा को बताने के लिए आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने 20 प्ररूपणाओं को माध्यम बनाया है। उनमें से हमारा 7वां चैप्टर अर्थात 7वीं प्ररूपणा चल रही है। 14 मार्गणाओं में द्वितीय मार्गणा है इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा के अंदर आपने इंद्रिय का स्वरूप जान लिया, इंद्रियों के भेद जाने, इंद्रियों के विषय जाने और इंद्रियों का आकार भी जान लिया कि पांचों इंद्रियों का क्या क्या कार्य है और उनका आकार कैसा है। अब चलते हैं 57 नंबर के गाथा पर, पेज नंबर 64, गाथा नंबर 57 नवी इंद्रिय करण जुदा, नवी इंद्रिय करण जुदा, अवगादी गाहया अथे, अवगादी गाहया अथे, नेवय इंद्रिय सोखा, नेवय इंद्रिय सोखा, अणिंद्रियाणंतणान सुहा, अणिंद्रियाणंतणान सुहा। सामूहिक गाथा पढ़िए। नवी इंद्रिय करण जुदा, अवगादी गाहयाते, नेवय इंद्रिय सोखा, अणिंद्रियाणंतणान सुहा। नापि इंद्रिय करणयुता अवग्रहादि विग्रहका अर्थे, नैव च इंद्रिय सौख्या अनिंद्रियानंत ज्ञान सुखा। यानी इंद्रिय ज्ञान से युक्त जो संसारी जीव हैं उनके बारे में आपको बताया और उसका वर्णन करने के बाद जो इंद्रियातीत अवस्था में आ गए अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान वाले अरहंत सिद्ध भगवान के लिए निरूपण किया कि जो जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त किनको कहते हैं? अरहंत भगवान को। जीवन मुक्त मतलब अरहंत भगवान, यानी जीवित भी हैं और आधे कर्मों का नाश कर चुके, इसलिए मुक्त हैं और मुक्त होने वाले, निश्चित मुक्त होने वाले जीव हैं, उनको कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त और परम मुक्त जिनको सकल परमात्मा और निकल परमात्मा के रूप में भी जानते हैं। अनंत परमेष्ठी जो जीवन मुक्त कहलाते हैं वे सकल परमात्मा है, और परम मुक्त माने निकल परमात्मा सिद्ध भगवान। तो जीवन मुक्त तथा परम मुक्त जीव
इंद्रियों की क्रिया से युक्त नहीं हैं, उनकी कोई इंद्रिय की क्रिया नहीं होती है, तथा वे अवग्रह आदि क्षयोपशमिक ज्ञान के द्वारा पदार्थ का ग्रहण नहीं करते, इसी तरह वे इंद्रिय जन्य सुख से भी युक्त नहीं होते हैं। जो इंद्रियों का सुख होता है, खाने से सुख मिल गया, देखने से सुख मिल गया, सुनने से मिल गया, इन इंद्रिय जन्य सुख से भी जो सहित नहीं है, क्योंकि उन दोनों ही प्रकार के जीवों का अनंत ज्ञान और अनंत सुख जो है वो अनिंद्रिय है। अतीन्द्रिय सुख में निमग्न रहते हैं वे भगवान, इसलिए उनको कहा इंद्रिय जन्य सुख जितना भी है उसके साथ दुख भी लगा हुआ है, लेकिन अनिंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि इंद्रियों की कोई सहायता ही नहीं है, किसी प्रकार का परावलंबन नहीं है, वहाँ पूर्ण रूप से स्वावलंबन यानी आत्मा ही आत्मा के अंदर स्थित रहता है। स्व स्वम स्वेन स्थितम स्वस्मयी स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरम स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत स्वोत्थ मानंदम मामृतम पदम। स्व शब्द को स्व, स्व माने अपना, इस शब्द को सातों विभक्तियों में कहा। स्व स्वम, स्व माने स्वयं, स्वम माने अपने को, स्वेन माने अपने द्वारा, स्व स्वम स्वेन स्थितम अपने द्वारा, अपने लिए, अपने में, अपना ही और अपने अंदर ही, जो स्वात्मा से उत्पन्न सुख का अनुभव करते हैं, स्वात्मोत मामृतम पदम, वे अमृत ज्ञान के अमृत को प्राप्त करके हुए करते हुए अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें किसी भी इंद्रिय का परावलंबन नहीं रहता। इसलिए इस इंद्रिय मार्गणा की अंतिम गाथाओं के अंदर अतीन्द्रिय सुख की बात करते हुए आचार्य देव ने आपको संबोधित किया कि अरहंत और सिद्ध भगवान के अतीन्द्रिय सुख होता है, वहाँ पर इंद्रियों का कार्य नहीं रहता। तो इस बात को यहाँ पर कहा गया जीवन मुक्त और यानी कि संयोग केवली 13वें गुणस्थान वर्ती और 14वें गुणस्थान वर्ती, जो तीन लोक के अग्रभाग सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं, इनको ग्रहण किया है। किंतु जो गोमटसार जीव कांड की जीव प्रबोधिनी और मंद प्रबोधिनी नाम की टीकाएं हैं, उन टीकाओं के अंदर इस गाथा का अर्थ सीधे सीधे सिद्ध पर्याय में ही घटित करते हैं, क्योंकि 13वें गुणस्थान में जो सकल परमात्मा अरहंत भगवान हैं, जीवन मुक्त हैं, केवली भगवान हैं, उनकी बाह्य इंद्रियां दिखती हैं और उन इंद्रियों को भी की भी अपेक्षा न रखते हुए इन टीकाओं के माध्यम से कहा कि इसका पूर्ण अर्थ यानी पूर्ण अतीन्द्रिय सुख वो सिद्धों में ही घटित होता है। तो अयोग केवली के अंदर पूरी तरह से घटित होता है। तो ये बात आपको विशेष इन टीकाओं के माध्यम से और इसी पुस्तक के अंदर तत्वार्थ राजवार्तिक के सूत्र को दे करके, थोड़ी सी टीका को दे करके बताया है कि द्रवेंद्रियों की अस्तित्व की अपेक्षा से अरिहंतों को पंचेंद्रियों में परिगणित कर लिया है, क्योंकि उनके भी सारे आँख मुंह नाक कान सब कुछ दिखता है, इसलिए उनको पंचेंद्रीय जीवों में घटित कर लिया है किसी अपेक्षा से। और सिद्धों में कोई भी इंद्रियां नहीं होती, शरीर नहीं होता है, अशरीरी सिद्धों के अंदर पूर्ण रूप से अतीन्द्रिय सुख घटित होता है। तो इस बात को आपको जानना है। अब अंतिम अंतिम गाथा है इसमें 58 नंबर की, एक इंद्रिय आदि जीवों की संख्या। थावर शंख पिपीलिया, थावर शंख पिपीलिया, भमर मनुषादिगा सभे दाजे, भमर मनुषादिगा सभे दाजे, जुगवार मसंख्य जा, जुगवार मसंख्य जा, नंतानंतानि गोद भवा, नंतानंतानि गोद भवा। सामूहिक गाथा पढ़िए। थावर शंख पिपीलिया, भमर मनुषादिगा सभे दाजे, जुगवार मसंखे जा,
णंताणंताणि गोदभवा स्थावर संख पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादिका सभेदाये युगबारम संख्येया अनंतानंतानि गोदभवा। यहाँ केवल संख्या को बताया कि स्थावर एकेंद्री जीव जो हैं, जो पांच स्थावर में बटे हुए होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तो ये स्थावर एकेंद्री जीव, शंखादिक दो इंद्री जीव, चींटी आदि जो तीन इंद्री जीव हैं, भ्रमर आदि, भौरा आदि जो चार इंद्री जीव हैं, और मनुष्य आदि जो पंचेंद्री जीव हैं, ये अपने अपने अंतर भेदों से युक्त होकर के असंख्याता संख्यात हैं। हम लोग प्रतिक्रमण में जब पढ़ते हैं ए इंद्रिया जीवा संकेत जा संकेत जा, बे इंद्रिया जीवा असंकेत जा संकेत जा संग, तो इनके संख्याता संख्यात भेद हो जा संख्याता संख्यात। और निगोदिया जीवों के लिए कहा अनंतानंत, अनंतानंत निगोदिया जीव होते हैं। इस प्रकार से आपको जानना है कि त्रस जीव प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनको छोड़ करके बाकी संसारी जीव यानी साधारण जीवों का प्रमाण जो है वो अनंतानंत है। और साधारण को छोड़कर बाकी एक इंद्री जीव स्थावर, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनमें प्रत्येक का प्रमाण असंख्यात लोक मात्र यानी असंख्याता संख्यात होते हैं। जब अहिंसा व्रत के पालन के लिए मिच्छा में दुक्कड़म करते हैं तो इन असंख्याता संख्यात प्रकार के सभी जीवों के हिंसा से विरत रहने के लिए आचार्य देव हम लोगों के लिए, साधुओं के लिए भी, श्रावकों के लिए भी प्रतिक्रमण सूत्रों का निर्माण करते हैं कि आप इनको बोलिएगा कि इन असंख्याता संख्यात जीवों में से किन्हीं भी जीवों की किसी प्रकार से मन से, वचन से, काय से विराधना हुई हो तो तस्य मिच्छा में दुक्कड़म, वह पाप मेरे मिथ्या हो जाए, अर्थात उन जीवों से मैं क्षमा याचना करके यदि जान अनजान में किसी जीव की हिंसा हो गई हो तो वो हमें क्षमा करें भगवान, मैं उन पापों के लिए, उस जीव विराधना के लिए मिच्छा में दुक्कड़म, मेरे दुष्कृत सब मिथ्या हो जाए। इस प्रकार से कह करके इंद्री मार्गणा का समापन किया है कि एक इंद्री से लेकर पांच इंद्री तक के किसी भी जीव का मेरे द्वारा घात ना होने पाए ये भाव है, लेकिन संसार में रहते हुए यदि किसी प्रकार से कोई घात हुआ हो, कोई हिंसा हो गई हो तो वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो जाए। अब ये मार्गणा तो समाप्त हो गई, इसके सार रूप में आपको जानना है कि हर एक इंद्रिय के कार्य का हम सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। जैसे जिह्वा इंद्री के लिए मैंने आपको बताया था कि जिह्वा इंद्री, सारी इंद्रियां एक एक कार्य करती हैं और जिह्वा इंद्री क्या करती है, दो काम करती है। जिह्वा इंद्री के दोनों ही कार्य ऐसे हैं कि जिनके द्वारा जीव अर्थ अनर्थ दोनों करता है। समझो सटरस त्याग करके, नीरस भोजन करके यदि अपनी साधुचर्या का पालन करते हैं तो हमें तप का फल मिल जाता है, तप और व्रतों का फल मिलता है और हम मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हैं। यदि अभक्ष भक्षण करके और जो कुछ जिह्वा इंद्रिय ने चाहा उसके स्वाद की लोलुपता में हमने उसका दुरुपयोग किया तो हम चारों गतियों में नरक गति तक में भ्रमण करके दुख उपार्जन कर सकते हैं। इसलिए एक कविता के माध्यम से आप इसको जाने, यदि भाषा हितमित प्रिय होती, यानी बोलने से भी बहुत सारे अनर्थ होते हैं, यदि भाषा हितमित प्रिय होती जग में जंजाल ना हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, सुख दुख और संताप ना हो पाता। दुख और संताप, जरा सा एक शब्द बुरा बोल दिया खलबली मच जाती है और लड़ाई झगड़े दंगे होने लग जाते हैं, मारने मरने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। सब इंद्रिय के एक एक कार्य दो कारज करती है रसना, इन दो कार्यों के कारण ही होता उत्थान पतन कितना। तीखे मीठे ताने बाने, तीखे मीठे ताने बाने का वचन प्रहार ना हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप ना हो पाता। किसी को ताने देते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को अपमानजनक शब्द बोलते हैं,
तो इससे दुख का जंजाल बचता है और वचनों के प्रहार से हमेशा बचना चाहिए। पुद्गल के शब्द बने सारे शक्ति बस जीव समाता है और गुस्से में आपे से बाहर हो क्या क्या बकता जाता है। जब गुस्सा आता है तो ये पता नहीं रहता कि रसना इंद्री के द्वारा हम किस अनर्थ को करने जा रहे हैं। तो मित वक्ता पापों से बचना, मित वक्ता पापों से बचता, शक्ति का ह्रास न हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख का जंजाल न बिछ पाता। शब्दों का चक्र व्यूह इतना बस उसमें उलझ रहा मानव, तूने ऐसा क्यों कह डाला, ये कहकर बन जाता दानव, तूने मुझे गाली दी है तो बस उस गाली, अगर तूने एक तमाचा मारा है तो मेरे दो तमाचे खाने के लिए तैयार रहे, ऐसी बदले की भावना लोगों के अंदर आ जाती है। शब्दों का चक्र व्यूह इतना बस उसमें उलझ रहा मानव, तूने ऐसा क्यों कह डाला, ये कहकर बन जाता दानव। नई घटती हरदम घटनाएं, तिलका भी तार न हो पाता, कहते ना तिलका तार बन गया, तो नई घटती हरदम घटनाएं, तिलका भी तार न हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप ना हो पाता, वाणी ऐसी बोलो बंधु। रसना इंद्री की बात बता रही हूं आपको, खाने की बात तो अलग ही है लेकिन बोलने से भी कितने अनर्थ हो जाते हैं। वाणी ऐसी बोलो बंधु, शत्रु न कोई बनने पाए, फिर भी यदि कोई रूठा हो चिरकाल न वो रहने पाए। यदि हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो चिरकाल तक वो उसमें ना उलझने पाए, उसके पहले क्षमा याचना करके अपने शब्दों से उसको शांत करें। ऐसा जो करता है उसके उलझन का विकास ना हो पाता, और जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप ना हो पाता। शक्ति यदि संचित करना है, शक्ति यदि संचित करना है, जितना कम बोलो अच्छा है, इसीलिए साधु जन ज्यादा से ज्यादा मौन रखते हैं। जितना कम बोला जाएगा उतनी वचन शक्ति आएगी। शक्ति यदि संचित करना है, जितना कम बोलो अच्छा है, कम खाओ थोड़ा गम खाओ, ये सूत्र बहुत ही सच्चा है। इसको अपनाए बिन प्रियवर, जग से उत्थान न हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप न हो पाता। अब भी है समय चेत जाओ, अब भी है समय चेत जाओ, मत कहे सुने पर पछताओ, अब भी आगे जितना बोलो, चुन चुन कर मधुर वचन बोलो, मृदुता जिन बाह्य वस्तुओं से मुख का श्रृंगार न हो पाता, मृदुता बिन बाह्य वस्तुओं से मुख का श्रृंगार न हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप न हो पाता। अंतिम पद लिखा गया, कथनी करनी में ना बदले तो केवल वाग जाल समझो। यदि कथनी करनी में नहीं बदली तो समझो वचनों का जाल है। हम खुश कर सकते हैं किसी को लेकिन अपने आप पर कुठाराघात हो जाता है। कथनी करनी में ना बदलो तो केवल वाग जाल समझो, जैसी कथनी वैसी करनी, उससे ही धर्म लाभ समझो। केवल कहना सुनना जब तक, तब तक कल्याण न हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप न हो पाता। तो इसका सार क्या है, मुख का चाहे कितना श्रृंगार कर लें, आप फेशियल करा लें, आप लिपस्टिक लगा लें, आप तरह तरह के श्रृंगार कर लें, लेकिन जिह्वा का श्रृंगार, मुख का श्रृंगार क्या है, सत्य वचन बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, और अपने वचनों से कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए। धर्म पर संकट आ रहा है कहीं तो वहां पर कोई झूठ भी बोला जाता है तो सत्य कहलाता है। महानुभाव ये आप जरूर ध्यान रखना, आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्द हैं कि स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत तत् वदन्ति संता स्थूल मृषावाद वै रमणम। वहां कहा गया कि ऐसा सच भी ना बोले कि किसी प्राणी की हिंसा का पाप लग जाए। कोई कसाई जा रहा है और गाय आगे गई है, यदि किसी साधु से पूछा जाता है क्या इधर गाय गई है, यदि उस समय कहा गया हाँ हाँ अरे इधर चले जाओ इधर गई, तो वो सच जो है महा झूठ के बराबर है, क्योंकि प्राण घातक हमला होने वाला है उस गाय के ऊपर। तो ऐसा सत्य भी
जिससे विपत्ति आ जाए। सत्यमपि विपदे, विपत्ति आने वाले सत्य को भी झूठ में शामिल किया है, ये आप ध्यान रखना। तो इंद्रिय मार्गणा की सार्थकता आप सबको समझनी है। रसना इंद्रिय का बताया, चक्षु इंद्रिय से आप सिनेमा आदि फिल्मों को देखते हैं जब, तो उससे उसका दुरुपयोग होता है। देखो चक्रवर्ती ने इसी अयोध्या नगरी से अपने महल की छत से सूर्य के बिंब में, सूर्य बिंब के अंदर जो जिन मंदिर बना है वहां के अकृत्रिम चैत्यालय में स्थित भगवान का दर्शन किया था। समझ जाओ आप कि संसार के अंदर सबसे ज्यादा चक्षु इंद्रिय का विषय चक्रवर्ती के पास होता है। चक्रवर्ती की चक्षु इंद्रिय के अंदर इतनी शक्ति होती है कि जब सूर्य पहली गली में आता है तो अयोध्या नगरी के ऊपर रहता है और चक्रवर्ती अपने महल की छत से उस सूर्य बिंब के अंदर जो जिन मंदिर बना है उसमें विराजमान साक्षात भगवान के दर्शन करके अपनी चक्षु इंद्रिय को पवित्र बना लेते हैं। ऐसी पवित्रता अपनी इंद्रियों के सदुपयोग करने से हमें भी प्राप्त हो, यही आपके इंद्रिय मार्गणा समझने का सार है। कल से काय मार्गणा को प्रारंभ करेंगे। ध्यान रखना 28 फरवरी को इस गोमठ सा जीवकांड की 87 गाथाओं की परीक्षा होगी और आगे संस्कृत व्याकरण का अध्ययन 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन से शुरू किया जाएगा। आप सब लोग जो नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क करके और पुस्तकें निःशुल्क पुस्तकें